गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शांति श्रीवास्तव फ्रॉम रेडियन पब्लिक स्कूल, क्लास सिक्स, सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में लेसन टू के बारे में, वर्ण विचारों के बारे में और वर्ण किसे कहते हैं उसके बारे में हाफ पढ़ा था, और आज का टॉपिक है हमारा वर्णमाला। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में और वर्णमाला किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। प्रत्येक भाषा में वर्णों की संख्या भिन्न होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रत्येक भाषा में वर्णों की संख्या भिन्न होती है। जैसे अ, आ, ये सब की संख्या कितनी होती है? बहुत भिन्न होती है। हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण हैं। जो अंग्रेजी का ए बी सी डी आता है उसमें कितने सेंटेंस, वो कितने वर्ण होते हैं? उसमें 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में मूलतः 47 वर्णों का प्रयोग होता था। जो यहाँ पे दिया है, हिंदी भाषा में मूलतः 47 वर्णों का प्रयोग होता था, परंतु आवश्यकता अनुसार पहले इनमें दो वर्णों ड तथा ढ की वृद्धि हुई। इसके पश्चात उर्दू भाषा के शब्दों के शुद्ध रूप से लिखने हेतु कुछ अक्षरों के नीचे बिंदु नुक्ता लगाने का प्रचलन हो गया। जैसे कि हम लोग कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस नहीं, जैसे कि ज या फ वाला वाक्य, तो उसके नीचे हम लोग देखते होंगे कोई कोई सेंटेंस में नीचे बिंदु लगता है। जैसे यहाँ पर क के नीचे लगा है, ठीक है, तो उसके बारे में ये अक्षर है क ख ग ज और फ, ये चार, ये जो वन सॉरी पांच जो है अक्षर है क ख ग ज और फ, इन्हें के नीचे नुक्ता बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी अभी अंग्रेजी की ध्वनि को शुद्ध रूप में लिखने के लिए एक ध्वनि आ का प्रयोग आरंभ हो चुका है। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला के अक्षरों में 55 संख्या 55 हो गई है। वर्णमाला के सभी अक्षर नीचे दिए गए हैं। ये देखिए, ये पूरे संख्या को बढ़ाकर भी ये कितने हो गए हैं? ये 55 हो गए हैं। ये जो है, ये इतने सब कितने हैं? 47 है, लेकिन जो बढ़ाए गए अक्षर है वो नीचे दिए गए हैं, और ये सभी को जोड़कर कुल वर्ण कितने हो गए हैं आपको? 55 हो गए हैं। तो ये आप लोग देख लीजिए, और कौन कौन से अक्षर बढ़ाए गए हैं, ये सब, ये 8 अक्षर को बढ़ाए गए हैं, और ये जो मूल अक्षर है और ये जो बढ़ाए गए अक्षर है, सबको ऐड करके कितना होगा? 55। ठीक है, अब ऊपर दिए सभी वर्णों की एक निश्चित क्रम में लिखे गए समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्णमाला कहते हैं। ऊपर जितने भी सभी वर्णों को एक निश्चित समूह में देखिए सजाया गया है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे ही हम लोग वर्णमाला कहेंगे। अब वर्णों के भेद। हिंदी वर्णमाला के सभी वर्णों को दो मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। एक वर्ग है स्वर तथा दूसरा है आपका व्यंजन। स्वर और व्यंजन के बारे में आपने पिछले क्लासों में भी पढ़ा है, तो और हम लोग आज भी पढ़ेंगे स्वर। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वॉयल्स। पिछले पृष्ठ पर पहली पंक्ति में मोटे अक्षरों में लिखे गए वर्णों की संख्या कितनी है? 14 है। इन अक्षरों के एक एक करके बोल कर देखें। इन्हें बोलते समय सांस न तो मुख में रुकती है तथा न ही कंठ में। जो भी कौन से हम लोग वर्ण को बोलते समय मुख से जो निकलती है, तो क्या रुकावट उत्पन्न नहीं होती है? वो कौन से? आपको अ, आ, ये सब जितने भी वर्ण हैं, इनको हम लोग मुख से निकालेंगे तो कोई भी रुकावट मार्ग में रुकावट नहीं उत्पन्न होती है। उसी के बारे में दिया गया है, बोलते समय सांस न तो मुख में रुकती है और न ही कंठ में। स्पष्ट है कि ये 14 वर्ण अपने आप ही में उच्चारित हैं, अर्थात इन्हें बिना किसी बाहरी की सहायता के बोला जा सकता है। इसी कारण इन्हें स्वर कहते हैं। स्वर तो आप लोग जानते हैं, स्वर वर्ण में कितने होते हैं भेद? स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 14। नीचे दिया गया है अभी और, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को दो वर्गों में बांटा गया है, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वर में छोटा और दीर्घ में बड़ा। तो क है आपका लघु स्वर। इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। ये स्वर कितने हैं आपको? 4। ये अ, ई, व, री, इसके उच्चारण में आपको कम समय लगता है। लघु मीन्स होता है कम,
इनका उच्चारण करने में हमें क्या कम समय लगता है। ये कौन सी कितने संख्या है इनकी, चार है। ठीक है, अब आ गया आपका दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में लघु स्वरों से दुगना अर्थात दो मात्रा का समय लगता है। ये संख्या कितने है, ये संख्या में सात है। आ ई बड़ा उ बड़ी सॉरी आ बड़ी ई बड़ा उ ए ए ओ और औ, इन्हें उच्चारण करने में अधिक समय लगता है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे दीर्घ स्वर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्वरों की मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।